गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर एना फिजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फैटिक वैसल्स, फंक्शन ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, है ना, ये हमने पढ़ा था. तो अब इसके आगे वाला पार्ट अब पढ़ लेते हैं, जो पार्ट रह गया था उसको डील कर लेते हैं. तो देखिए, एक तो पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम, और साथ में उसके चलता हुआ ये लिम्फैटिक सिस्टम जो हार्ट से कनेक्टेड हैं. ये सब चीज़ें, ये लिम्फ के डक्ट हैं, ये लिम्फ के ट्रंक है जाती हुई, बीच बीच में लिम्फ नोड्स आती हैं, ये सब मिलके लिम्फैटिक सिस्टम बना रहे हैं. ये सारी की सारी लिम्फैटिक कलेक्टिंग वेसल्स है जिसके साथ में वॉल्व लगे हुए, ये गोल वॉल्व बताए गए हैं, और ये नीचे पतली पतली सी इसकी लिम्फैटिक कैपिलरीज हैं. इस डायग्राम के अंदर इसी चीज़ को एनलार्ज करके बताया गया है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं ये कैपिलरीज के आसपास. ये कैपिलरीज इस तरह से गुंथी हुई है, पूरे के साथ चल रही है ब्लड वेसल्स के साथ में, ये टिश्यू फ्लूड प्रोवाइड कर रही हैं सेल्स को. ये अच्छा सा बताएगा ना, देखो यहाँ एंड से जो है वो टिश्यू फ्लूड प्रोवाइड कर रही हैं सेल्स को. ब्लड कैपिलरीज, लिम्फैटिक कैपिलरीज दिखाई गई हैं, ये टिश्यू सेल्स दिखाई गई हैं. फिर इसके भी एकदम छोटे से पार्ट को एनलार्ज करके दिखाया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू से एंकर्ड रहता है ये फिलामेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, पकड़ रखा है उसने कनेक्टिव टिश्यू को. ये एंडोथेलियल सेल्स है, इसके अंदर फ्लैप लाइक मिनी वॉल्व लगा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो दिखाए गए हैं इस डायग्राम में. अब लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो लिम्फैटिक ट्रंक्स जो है वो कलेक्टिंग वेसल के यूनियन से लिम्फैटिक ट्रंक बन रही है. कलेक्टिंग वेसल्स के यूनियन से लिम्फैटिक ट्रंक्स बन रही है. नौ मेजर ट्रंक्स जो है वो पाई जाती हैं जो कि लिम्फ को ड्रेन करती है रीजन फॉर विच दे आर नेम्ड, जिस जो जो नेम दिया गया उस रीजन से आती हुई है ट्रंक जो है वो लिम्फ को ड्रेन कर रही है. जैसे कौन कौन से रीजन है भाई, हमने कहा कि मेन रीजन्स जो हैं उसमें पहला आ रहा है लंबर, दूसरा जगलर, सब क्लेवियन, ब्रोंको मीडिया स्टीनल ट्रंक, चार तो ये हैं, और पांच सिंगल इंटेस्टाइनल ट्रंक है. तो टोटल कितने हो गए, नाइन हो गए. तो हमने कहा नाइन मेजर ट्रंक्स हैं, नाइन में पांच है सिंगल इंटेस्टाइनल ट्रंक और चार है लंबर, जगलर, सबक्लेवियन, ब्रोंको मीडिया स्टीनल ट्रंक. ये चारों चार है, ईच ऑफ विच अकर्स इन पेयर्स. ये ऊपर की जो चार है वो सब की सब तो पेयर्स में पाई जाती है, मतलब लेफ्ट और राइट, क्योंकि बॉडी के लेफ्ट पार्ट में भी है राइट पार्ट में है, तो वो तो पाई जाती है पेयर्स में. पर जो इंटेस्टाइनल ट्रंक है वो सिंगल पाई जाती है, वो पेयर में नहीं पाई जाती, इसलिए लिखा है फाइव सिंगल इंटेस्टाइनल ट्रंक. लिम्फैटिक डक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल है. लिम्फैटिक डक्ट लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं. ये दो डक्ट्स हैं जो कि लिम्फ को ड्रेन करती है वेन्स में, नेक रीजन के अंदर, नेक के अंदर, वेन्स इन द नेक, नेक के वेन्स में लिम्फ को ड्रेन करती है. दो दीज टू डक्ट्स, कौन सी, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स एट देयर जंक्चर्स विद द इंटरनल जगलर वेन. तो सबक्लेवियन वेन और जगलर वेन जो है यहाँ पर दे रही हैं. अब इन लिम्फैटिक डक्ट्स के अंदर वॉल पाया जाता है, वो अपने जंक्शंस पे वेन्स, क्योंकि उसका जंक्शन कहाँ है, वेन्स, वेन्स के साथ उसका जंक्शन है, प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ ब्लड इनटू द लिम्फैटिक वेसल. उस वॉल का काम क्या है कि ब्लड को लिम्फैटिक वेसल में घुसने नहीं देता. ये वॉल्व इसलिए लगा है रोकने के लिए, ब्लड को कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर लिम्फैटिक डक्ट वेन के साथ में जुड़ी उस जंक्शन पे वॉल्स पाए जाते हैं, ये वॉल्स जो है वो ब्लड को लिम्फैटिक वेसल में घुसने से रोक रहे होते हैं. तो इस तरह से लिम्फ का सर्कुलेशन चल रहा है. इसके बाद लेफ्ट थोरेसिक डक्ट और राइट थोरेसिक डक्ट के बारे में सुनिए. लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है वो बॉडी के लेफ्ट साइड से लिम्फ को कलेक्ट करती है, लेफ्ट साइड इज एंड रीजन्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द थॉरेक्स, और थॉरेक्स के नीचे के राइट साइड से लेती है लिम्फ. भाई ऊपर वाले पार्ट में थॉरेक्स के तक के पार्ट में तो वो ले रही है लेफ्ट साइड से. लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक पार्ट, हमारे बॉडी के थोरेसिक पार्ट
तक तो बॉडी के लेफ्ट साइड से लिम्फ ले रही है और थॉरेक्स के नीचे से और राइट साइड से ब्लड लेती है। इस चीज़ को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो और अल्टीमेटली लिम्फ को ड्रेन कर देती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। ये थोरेसिक डक्ट का काम है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में वो लिम्फ को डाल देती है, थ्रोन कर देती है। लेफ्ट को ध्यान सुन लो, इसका जस्ट उल्टा राइट के अंदर पढ़ना है अपन को, जैसा लेफ्ट में लिखा हुआ है वैसा उसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा जो है हमारे को राइट में पढ़ना है। तो अल्टीमेटली इसने सब लेफ्ट सबक्लेवियन वेल के अंदर लिम्फ को डाल दिया। ये सिस्टर्ना चिली से स्टार्ट होता है जो कि एक एनलार्ज रीजन है लिम्फेटिक वेसल का और वो बना होता है इंटेस्टाइनल ट्रंक के यूनियन से, इंटेस्टाइनल ट्रंक और राइट लेफ्ट लंबर ट्रंक के यूनियन से, इंटेस्टाइनल ट्रंक और राइट लेफ्ट लंबर ट्रंक के यूनियन से लिम्फेटिक वेसल्स का एक एनलार्ज्ड रीजन बनता है जिसको अपन सिस्टर्ना चिली कह रहे हैं। वहाँ से ये स्टार्ट होता है ये सिस्टम। अब दूसरा राइट थोरेसिक डक्ट, ये लिम्फ को बॉडी के अपर राइट साइड से कलेक्ट कर रहा है, मतलब राइट आर्म से, थोरेक्स के राइट रीजन से, नेक से और हेड से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। अ मच स्मॉलर एरिया देन दैट्स सर्विस्ड बाय द थोरेसिक डक्ट, ये बहुत स्मॉलर एरिया है जो थोरेक्स के डक्ट को सर्व कर रहा है। इट अल्टीमेटली ड्रेन्स लिम्फ इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, और ये डाल कहाँ, राइट सबक्लेवियन वेन में डाल रहा है। ऑब्वियस राइट थोरेसिक डक्ट तो किस में डालेगा, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर डालेगा। तो अभी तक जो हमने बातें बोली वो इस डायग्राम में देखो, सिस्टर्नी चिली दिखाई गई है, लेफ्ट लंबर ट्रंक दिखाई गई है पूरी की पूरी, इंटेस्टाइनल ट्रंक बताई गई है नीचे और उस साइड राइट लंबर ट्रंक है, ये ऊपर इस तरह से जा रही है देखो थोरेसिक डक्ट में। तो थोरेसिक डक्ट के ऊपर और नीचे के दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करा ना इसको, लेफ्ट ब्रोंको मीडिया स्टर्नल ट्रंक है, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट पार्ट को पढ़ रही हूँ अभी इस समय मैं, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन बताई गई, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक बताया गया है जो कि लेफ्ट साइड को ड्रेन कर रहा है हेड, लेफ्ट टॉर्सो और लोअर बॉडी को, और ये थोरेसिक डक्ट बताई गई है। यहाँ से राइट जगुलर ट्रंक दिखाई गई है, ब्रेकियोसिफेलिक वेन्स दिखाई गई है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो राइट साइड से ड्रेन कर रही है, राइट सबक्लेवियन ट्रंक, राइट सबक्लेवियन वेन, सुपीरियर वीना कैवा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। अब देखिए ये जो हमने सिस्टम बोला अभी इतना सारा कि यहाँ से ला रहे हैं वहाँ से ला रहे हैं, उसको एक साथ फ्लो चार्ट में देखिए भाई, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो लिम्फेटिक वेसल में ड्रेन करता है फ्लूड को, लिम्फेटिक वेसल लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से वापस लिम्फेटिक वेसल के अंदर, फिर लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है और फाइनली कहाँ जाता है, सबक्लेवियन वेन के अंदर फ्लूड जो है, कौन सा फ्लूड, लिम्फ, लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी वेसल नोड अगेन लिम्फेटिक वेसल, देन लिम्फेटिक ट्रंक, कलेक्टिंग डक्ट और सबक्लेवियन वेन के अंदर जो है वो लिम्फ ड्रेन हो रहा है। अब लिम्फ नोड के बारे में सुनिए, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लिया, लिम्फ पढ़ लिया, कैसे ड्रेन हो रहा है, क्या है लिम्फेटिक वेसल्स, क्या है वो हो गई। तो अब लिम्फ नोड देखिए, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक पाथवे के साथ साथ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी के अंदर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लिम्फेटिक पाथवे के साथ। लिम्फ नोड जो है वो बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं और ये लिम्फा टिश्यू के बने होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है और किसके बने, लिम्फा टिश्यू के। लिम्फ नोड्स कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे बीन शेप के, जैसे आपने सोयाबीन देखा हुआ ना, उस बीन शेप की स्ट्रक्चर, किडनी जैसी सी छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर से भी छोटे साइज की दिखाई दे रही होती है, 1 इंच से भी छोटी। इसके 3 सुपरफिशियल रीजन्स होते हैं जहाँ लिम्फ नोड्स जो हैं वो इकट्ठी हो रही होती हैं, इनगुइनल नोड, एक्सिलरी नोड और सर्वाइकल नोड। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनगुइनल नोड ग्रोइन के अंदर होता है, एक्सिलरी नोड आर्म पिट के अंदर बगलों में, और सर्वाइकल नोड आपकी नेक रीजन में पाए जाते हैं। तो ये 3 इसके सुपरफिशियल रीजन्स हैं जहाँ लिम्फ नोड इकट्ठी होकर के क्लस्टर बना लेती है, गुच्छा बना लेती है। ये वो स्ट्रक्चर देखिए, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल आ रही है, लिम्फ फ्लो होता बताया गया, ट्रैबिक्यूली में गया, जर्मिनल सेंटर में गया जहाँ बी सेल्स है, ये नोड्यूल्स बताए गए हैं, ये आर्टरी और वेन है जो सप्लाई करी, ये इसका हाइलम रीजन है, लिम्फ फ्लो होता बताया गया, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल इफरेंट, ऊपर से आ रहा है वो एफरेंट है, नीचे इफरेंट है,
ये साइनस है, उसके चारों तरफ कैप्सूल बताया गया है, और कैप्सूल के नीचे सब कैप्सुलर रीजन है जिसमें मैक्रोफाज, बी सेल्स वगैरह रहती हैं। क्योंकि हमने कहा था ना भाई, लिम्फ के, लिम्फ का जो कंपोजिशन था वो एकदम ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही है, जिसके अंदर डब्ल्यू बी सी पाई जाती है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्रोफाजस, बी सेल्स वगैरह है यहाँ पे। तो मेड्यूला में मैक्रोफाजस, टी सेल्स वगैरह दिखाई गई हैं। सब कैप्सुलर रीजन में तो मैक्रोफाजस और बी सेल, और मेड्यूलर रीजन में मैक्रोफाजस और टी सेल्स हैं, और जर्मिनल सेंटर में बी सेल्स हैं। तो इसको याद करिए आप। अब ये लिम्फ नोड क्या फंक्शन कर रहा है, हम एनाफिजियो सब चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे हैं भाई, आप ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ पे। लिम्फ नोड्स क्या फंक्शन कर रहा है, ये लिम्फ को फिल्टर करता है इससे पहले कि वो ब्लड में जाए। लिम्फ, क्योंकि हमने बोला ना ब्लड से ही, ब्लड की कैपिलरी से लीक होकर के लिम्फ बना था टिश्यू के चारों तरफ, और टिश्यू से वापस वो कहाँ जाता है, ब्लड में। तो ब्लड में जाए उससे पहले लिम्फ को छानना होता है, और छानने का काम कौन करता है, ये लिम्फ नोड्स करते हैं। इसके अलावा ये फॉरेन पार्टिकल को ब्लड स्ट्रीम में घुसने देते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर लिम्फ में मौजूद है तो वो भी ब्लड स्ट्रीम में घुसने देंगे। और इसके अलावा ये लिम्फ नोड लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स मतलब WBC, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड में प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो ये स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड बताई गई है, स्वॉलन क्योंकि एनलार्ज हो गई है तो इसको स्वॉलन ग्लैंड्स कह रहे हैं। टॉन्सिल्स क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू क्लस्टर हुआ हुआ रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे। कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे नोज, माउथ, फेरिंग्स यानी थ्रॉट को लाइन करती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे लिम्फैटिक टिश्यू क्लस्टर हुआ हुआ रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं। हमारे नाक, मुंह और फैरिंग्स के नीचे एक क्लस्टर हुआ हुआ रहता है। टॉन्सिल्स के तीन ग्रुप्स होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। फेरेंजियल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स, तो ये क्लस्टर है, ये पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं टॉन्सिल्स। मुंह के, नाक के, अपन ने बोला ना नीचे यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन के यहाँ पर ये इकट्ठे हुए हुए हैं। क्या काम करते हैं ये भी हमारे को हार्मफुल कोई सबस्टांस है, कोई पैथोजन है, उसको हमारी बॉडी में नाक या मुंह के द्वारा घुसने नहीं देता। आपने गलती से मुंह में ले लिया, गलती से नाक में, हालांकि ऐसे तो प्रोटेक्शन और भी बहुत सारी हैं, नाक के अंदर सीरिया वीरिया सब कुछ है, पर फिर भी अगर कोई चीज़ गलती से चली भी गई नोज़ या माउथ के द्वारा, बॉडी के अंदर ना घुसे और ज़्यादा अंदर ना चले जाए, कोई पैथोजन, बीमारी कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई हार्मफुल सबस्टांस ना चला जाए, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये टॉन। जो फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच है उसको ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड, इसको ब्लड सप्लाई होती है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और नर्व सप्लाई है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इसमें ब्लड सप्लाई कर रही है। ये देखो ये जो तीनों टॉन्सिल्स हमने बोले, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेट के पास में पैलेटाइन, पैलेट के जस्ट नीचे पैलेटाइन टॉन्सिल, और यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल, ये अपने सलाइवरी ग्लैंड वगैरह के आसपास दिखाया गया है। अब कई बार ये टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं, ग्रेटली एनलार्ज टॉन्सिल कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऐसे में पर्सन को क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, नींद नहीं आ रही होती है जब ये टॉन्सिल बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। आपने कई बार सुना है लोग कहते हैं हमें टॉन्सिल हो गया, तो टॉन्सिल क्या हो गया, टॉन्सिल वैसे एक नेचुरल स्ट्रक्चर है भाई, टॉन्सिल क्या हो गया, पर ये सर कई बार एनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको अपन एनलार्ज टॉन्सिल कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क जो हर बार मैं बोलती हूँ, आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, मेरे को सेंड करना है, उसके अलावा आपका नया होमवर्क सुन लीजिए, आप अपने पुराने पेपर्स देख लीजिए, आपने ले रखे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, उन पुराने पेपर्स में IENT और लिम्फैटिक सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, IENT और लिम्फैटिक सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनको अपनी ओन हैंडराइटिंग के अंदर, कॉपी के अंदर लिखिए, अपनी जो कॉपी मैंने आपको बोली थी कि बनानी है आपको, उसमें लिखिए, फ़ोटो क्लिक करिए और अपने CR को आप WhatsApp कर दीजिए। और ये होमवर्क मेरे को विद इन अ वीक मिल जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, उसके बाद अगर आप मुझे देते हैं तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी। तो आप विद इन अ वीक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कर लीजिए। अगर मैंने कोई टॉपिक नहीं करवाया है IENT और लिम्फ में,
कोई चीज़ छूट गई जो मैंने आपको नहीं बताई और आपके एग्ज़ाम में पूछी हुई है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जैसे ही आपने सीआर को कहेंगे, वो सीआर मुझे अपने आप बता देंगे, तो आप जो है उनको व्हाट्सअप करिए और मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। तो विद इन अ वीक आपका ये काम हो जाना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपका रह जाता है और फिर बाद में आप कहते हैं कि टीचर ने हमें नहीं करवाया था, एट दैट टाइम आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। तो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी। और कोई आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।